लगा दो यहाँ पिटिया कर जा रहे हैं। नहीं नहीं यार सही हो रहा है यहीं से ठीक है। चांद कोई बात नहीं जल्दी आ जाए अभी शादी में हो गए। तो घर जाने की हो गई है तैयारी और ब्लॉग की हो गई है स्टार्टिंग। आज हमारी छुट्टी खत्म 4 दिन की और हम जाने लग गए हैं घर। मम्मी 200 रुपए लेके कह रही है इतना दे रही हूँ बस। और यहाँ पिटिया पिटिया लगने लग गया है। 200 रुपए बस। हम लोग निकल रहे हैं अपने घर को। बहुत होते हैं 200 रुपए। ये कलर ये देखिए। तो कैसा लग रहा है आपको हम आज जा रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। नाक की टुक्की से लगा दो यहाँ पिटिया कर जा रहे हैं। नहीं नहीं यार सही हो रहा है यहीं से ठीक है। अरे वाली दिन बताओ ना। हाँ जी तो चलिए अब हम निकलते हैं घर से, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। चलो फिर। चांद कोई बात नहीं जल्दी आ जाए अभी शादी में हो गए। फिर आ जाएंगे। वैसे तो आने का प्रोग्राम ही नहीं था पर आ गए। इतनी सारी मिठाई लाए थे कि क्या बताएं। चलो तुझे भी आना है। एक ही मेरा जिद कर रहा है मुझे भी आना। कहाँ जाओगी मेरे साथ? मेरे साथ चलोगी? और मम्मी नहीं आ रही। बाबू को ले जाऊंगी मैं बाद में ठीक है। बोलो मेरे को चलना है प्लीज। बोरा मुझे भी ले चलो अपने साथ प्लीज। रसगुल्ले मीठा मुँह कर तो चलिए निकलते हैं देर हो रही है क्योंकि। तो घर से निकलने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपनी बहन के घर और ये मेरी बहन के घर का बाहर का व्यू है। तो अभी हम अपनी बहन को छोड़ने जा रहे हैं उसके वहाँ, उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे अपने घर को। तो जी घर से आने के बाद ना मैं सो गई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकान हो चुकी थी और अब जाके मैंने बनाया है खाना। और आज ज़्यादा कुछ ब्लॉग में बना भी नहीं पाई क्योंकि ना मुझे सफ़र से थोड़ा सा ना अजीब सा हो जाता है। तो उसके बाद मैंने आके करा रेस्ट। अब मैं बना रही हूँ खाना। आके तो हमने हल्का फुल्का थोड़ा बहुत चाय पानी पी लिया था और अभी फिर मैंने कहा और भी कुछ ज़्यादा कुछ स्थानीय सब्जी वब्जी थी नहीं तो फिर मैंने सोचा कि ना थोड़ा सा ये पनीर की सब्जी बना दी है मैंने। और अब बना रही हूँ मैं रोटियाँ। तो गर्मा गर्म रोटियाँ बनाते हैं उसके बाद ना काफ़ी थकान हो चुकी है उसके बाद करेंगे रेस्ट। और आज का ब्लॉग ना ये छोटा सा मेरा ब्लॉग बना है तो इसको यहीं पे एंडिंग कर देती हूँ। जब घर से आओ ना तो थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगता है तो थोड़ा मन नहीं करता कुछ भी करने का, बुरा लगता है घर से आओ। तो उस बार तो मैं 2-4 दिन के लिए ही गई थी तो काफ़ी अजीब सा लग रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं क्या करा जाए। वैसे तो मेरा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था पर हस्बैंड जी की वजह से चली भी गई। उन्होंने कहा चलो मम्मी पापा लोग से भाभी लोगों से सबसे मिलकर आ जाएंगे। और हरिद्वार वगैरह भी घूमना हो ही गया हमारा तो काफ़ी अच्छा रहा। और आप लोगों ने भी को भी ब्लॉग काफ़ी अच्छे लगे होंगे। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग को इतना ढेर सारा प्यार दिया है, ढेर सारा सपोर्ट दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप लोगों का आशीर्वाद बस मेरे साथ ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही अपना आशीर्वाद मेरे साथ आप लोग बनाए रखे मैं आशा करती हूँ। और आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। तो नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी लेकर आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।